नमस्कार, मैं आरती बघेल। स्वागत जिंदगी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खबरों से। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक महिला अपने ही देश में बेगानों की तरह रहने को मजबूर है। वह खाना तो मांग कर खा लेती है, लेकिन पानी वह एक गड्ढे से निकाल कर इस्तेमाल करती है। उसने बताया कि इस गड्ढे से पानी तो उसे मिल जाता है, लेकिन कभी कभी तो मांगने से भी उसे खाना नहीं मिलता, तो उसे भूखा ही सोना पड़ता है। बता दें कि इस महिला का यह हाल फरीदाबाद प्रशासन की अनदेखी के चलते हुआ है, क्योंकि यह महिला फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके में पिछले 18 सालों से अपने पति के साथ झुग्गी बनाकर रह रही थी। लेकिन कुछ साल पहले ही फरीदाबाद प्रशासन ने इसकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी और फिर इस पर और इसके पति की मौत का पहाड़ टूट पड़ा। बता दें कि महिला के बच्चे नहीं हैं और सगे रिश्तेदार भी कोई मदद नहीं करते। पति के मरने के बाद यह महिला एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रही है। अगर यह महिला खाना भी मांग कर खाती है तो इसके पीछे फरीदाबाद प्रशासन का हाथ है, क्योंकि इस महिला को यहाँ रहते 18 साल हो गए, लेकिन इसका कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। इसके चलते इसे भीख मांग कर खाना पड़ता है और कई बार तो मांगने से भी जब नहीं मिलता है तो यह भूखे ही सो जाती है। बता दें कि यह हमारे देश में एक महिला की कहानी नहीं है। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रोजाना भूखे सोते हैं, लेकिन जिनको इनका ख्याल रखना चाहिए वह सरकार से इसी बात की तनख्वाह लेते हैं और बड़े आलीशान बंगलों में एसी में चैन की नींद सोते हैं। यही देश की विडंबना है। क्या नाम है आपका? मेरा राधा। राधा जी, अभी देखा गया आप पानी निकल रहा था, उसमें से पानी भर रहे थे, क्या क्यों भर रहे थे, क्या वजह है? बेटा क्या करें, हमके परेशानी है, पानी नहीं मिल रहा तो भरना पड़ रहा। हमके फ्री के टंकर मिलता नहीं है, कोई देने में राजी नहीं है। हम नौकरी चाकरी करते नहीं, कैसे कैसे दादा भैया कोई देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो खाने भी ना पड़ता। तो वो जिस पानी को भर रहे हो तो पीने लायक नहीं है, उसके बाद आप उसे भर रहे हो? ये तो थोड़े बहुत कपड़े लते धो लेते हैं। क्या खाने पीने की अगर बात की जाए तो कैसे? खाने पीने के तो मंदिर पे आएगा तो जाएंगे समझानेंगे तो 2 दिन पे पता पाते हैं, 3 दिन पे तो ले आते 2-1 कट्टी। तो क्या घर में कोई काम वाम करने वाला नहीं? नहीं, घर में कोई नहीं है। जेठ जेठानी के बच्चे हैं, यहाँ पे सस्ते अलग अलग हैं, हम अपन अलग धनी नहीं तो यहाँ पर ही हैं खार। कोई तुम्हारे ऐसे उनके दिन दे आलू होते, आलू 5 किलो कोई 2-4 किलो दे देता है तो बेटा अपन टाइम बिताते हैं। जो सामान दे जाता है तो कोई देता नहीं है, जो कहते सुनते हैं तो कोई दे देता नहीं तो बेटा हम अपने पड़ोसन से मांग के 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी खा लेते। बेटा क्या करें, काफी परेशानी है आपको। यहीं रहते हो आप? हाँ। कौन सी जगह है जहाँ पर आप रहते हो? ये है 25 नगर बल्लमगढ़ है। 25 सेक्टर बल्लमगढ़। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? अरे बेटा हमके यहाँ हो गए 18 साल से बेसी हो गया। तो कोई सुविधा नहीं है आपको? 18 साल हो गए यहाँ पे। देखो ये जुगिया रही तो सुविधा रही है, कारट उरट बना रहा, जुगिया टूट गया बेटा तो नाम भी कट गया कारट में। तो क्या कोई सरकारी राशन वगैरह आपको नहीं मिलता? कुछ नहीं। तो आप मिले हैं कभी किसी अधिकारी से, किसी से बोला आपने? अधिकारी बोला जब तुम्हारे कारट बनेगा जब मिलेगा, अब इन 5 साल मिलेगा नहीं। 18 साल हो गए पर अब तक आपका कोई कागज नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं। तो पानी भी आप डेली ऐसे भरते हो? डेली हम ऐसे भरते हैं, क्या करें, यहाँ से पानी भरते हैं, यहाँ से मंदिर से पिए खाते ले आते हैं।